Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Sanjana and welcome back to another review video. अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने भी किया थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द फैमिली. एंड आज का रिव्यू प्रोडक्ट क्या है, आपने बाय द थंबनेल एंड टाइटल पढ़ लिया है, जान लिया है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका. बस इतना ही कहूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट देना मत भूलेगा. तो विदाउट मच फॉर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. गाइस, दीज डेज में काफ़ी स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट का रिव्यू कर चुकी हूँ और वो सारे मुझे बहुत अच्छे लगे. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्विस ब्यूटी का आई प्राइमर फोकस एंड स्टे. तो काफ़ी खूबसूरत सा पैकेजिंग आप देख सकते हो, ब्लैक कलर का पैकेजिंग और पीछे सारे इन्फॉर्मेशन लिखे गए हैं. लाइक इसका नेट वेट है 3.5 ग्राम्स एंड इसका एक्सपायरी डेट है 2024 तक, और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन लिखा गया. बट आपको प्राइसिंग नहीं दिखेगा इसमें, प्राइसिंग इसमें नहीं लिखा गया है. बट इसका प्राइस है गाइस 339 रुपीज़, एंड आपको फ्लिपकार्ट एंड नाइका पे अवेलेबल हो जाएगा, आप परचेस कर सकते हो. इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप आराम से परचेस कर सकते हो. सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग. तो चलिए अंदर देख लेते हैं इसका अंदर वाला जो इसका पैकेजिंग कैसा है. इस तरीके का पैकेजिंग मिल जाता है विच इज सो फ्रीकिंग गॉर्जियस. मेटालिक कलर का आपको मिल जाता है, ये पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है. तो मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ. उसका जो कंसिस्टेंसी, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया गया है, ये ट्रांसपेरेंट सा एक कंसिस्टेंसी है इस प्रोडक्ट का, तो एक ट्रांसपेरेंट सा कंसिस्टेंसी है. और मैं बोलना चाहूंगी गाइस, अगर आपका डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो दिस प्राइमर इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है. लगाने के बाद आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है और आपको स्मूथ बेस देता है. अगर आपका डार्क सर्कल है तो आप अपना कंसीलर यूज कर सकते हो. देख लेते हैं अप्लाई करने के बाद ये कैसा काम करता है. सो एज यू कैन सी, मैंने आईब्रोज को फिल कर लिए हैं. नाउ टाइम फॉर यू नो रिव्यूइंग दैट प्रोडक्ट के काम करता है कि नहीं. और मैं इसके लिए क्या करूंगी, मेरे राइट वाले आई में मैं अपना रेगुलर कंसीलर लगाऊंगी जो मैं अपने आई शेडो बेस के लिए यूज करती हूँ पहले से ही, और मेरे लेफ्ट वाले आई पे लगाऊंगी ये प्राइमर और डिफरेंस देखेंगे कि कितना पिगमेंटेशन पे ऑफ करता है एंड मेरा कंसीलर के साथ ये बैटल कर पाता है कि नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो हम लोग ने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, अभी बारी आती है लेफ्ट आई में प्राइमर लगाने की. टू ब्लेंड इट आई एम यूजिंग दिस माई क्लीन ब्रश एंड अच्छे से मैं अपने लिड पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. सो चलिए अप्लाई करते हैं अभी आई शेडो. सो गाइज, फॉर माई आई शेडो आई एम यूजिंग माई स्प्लैशी कैंडीज यू कैन डिका पैलेट बिकॉज इट हैज़ मैट शेड, सिमर शेड्स एंड प्रेस्ड ग्लिटर. तो चलिए अप्लाई करते हैं एंड मैं कुछ रैंडम सा ही करूँगी, मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, जस्ट टू शो यू गाइज ये काम करता है कि नहीं, बस रैंडम अप्लाई करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस रेड वन, मैं अपने प्राइमर वाले आई पे अप्लाई करूँगी. You can see the pigmentation. Then हम apply करेंगे हमारे concealer वाले part. So मैं same ही amount ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ. तो चलिए apply करते हैं. I'm really surprised with one thing कि यहाँ आप देख सकते हो, मैंने जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था तो यहाँ पे जो रेड कलर का आप कलर देख सकते हो, एक अलग ही कलर दिख रहा है. लाइक बहुत ही यू नो फेड हो चुका है, लाइक फेडेड रेड. बट यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया है ना, यू कैन सी द कलर पे ऑफ इज रियली गुड, एंड जो ओरिजिनल आई शेडो का कलर है वही दिख रहा है. तो आई एम रियली इम्प्रेस विद दैट थिंग अबाउट दिस आई शेडो प्राइमर एंड वाओ, लव इट. अब की बारी आती है शिमर शेड अप्लाई करने की. तो चलिए अप्लाई करते हैं ऑलिव क्रीम शिमर शेड. लेट्स टेक दिस वन, मैं अपने प्राइमर वाले एरिया पे अप्लाई करूंगी. तो अब कंसीलर वाले एरिया पे मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ.
तो चलिए अप्लाई करते हैं अपने कंसीलर वाले आई पे। तो गाइस आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, ये कंसीलर वाला पार्ट जो है वो फेडेड ही दिख रहा है, एकदम फेड। एंड जहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया है आई शेडो का, इसका जो पिगमेंटेशन है उसका जो ओरिजिनल कलर को वो बरकरार रखा हुआ है। एंड आई लव दिस वन स्वाइप पिगमेंटेशन। आप बस थोड़ा सा ही क्वांटिटी लेना होता है आपको, एंड अगर आप कंसीलर वाले पार्ट पे लगाओगे ना, आपको बिल्डअप करना पड़ता है फॉर गेटिंग दैट पिगमेंटेशन। एंड अगर आप प्राइमर यूज करते हो तो यू जस्ट नीड वन स्वाइप, सो दैट्स अमेजिंग एंड आई लव इट। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं प्रेस्ड ग्लिटर भी लगा लेती हूँ, जगह तो नहीं बचा फिर भी टू कम्प्लीट द आई लुक मैं बस लगा लेती हूँ। तो चलिए लगा, मैं थोड़ा सा ये ग्रीन कलर लूंगी एंड मैंने इनर कॉर्नर पे इसको अप्लाई कर दूंगी। सो गाइज दिस इज माई कम्प्लीट आई लुक, दिस इज द रिजल्ट। एंड मैं ये कहूंगी कि अगर आप ऐसे ब्राइडल वाले आई मेकअप कर रहे हो ना, दिस इज नॉट फॉर यू गाइज, दिस इज रियली रियली नेचुरल। अगर आप नेचुरल रखना चाहते हो तो इट गिव्स यू दैट नेचुरल स्किन टोन टेक्सचर बिकॉज इट हैज दैट ट्रांसपेरेंट बेस लाइक थिंग। सो गाइज एज यू कैन सी दिस इज माई कंसीलर साइड एंड दिस इज माई प्राइमर साइड। तो गाइज आप जैसे देखे मैंने सेम ही क्वांटिटी का आई शेडो लिया, बट यहाँ पे मुझे बिल्डअप करना पड़ेगा टू गेट दैट पिगमेंटेशन। बट सेम क्वांटिटी में मैंने प्राइमर में अप्लाई किया ना, प्राइमर वाले साइड पे अप्लाई किया, तो यू कैन सी द पिगमेंटेशन एंड इट हैज दैट ओरिजिनल कलर जो आप आई शेडो में देखते हो, एज यू कैन सी। एंड एक स्ट्रोक में, एक स्लाइड में, एक ग्लाइड में ये पिगमेंटेशन देता है, विच इज रियली रियली गुड एंड आई एम रियली अमेज्ड। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है एंड आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस प्रोडक्ट। बट एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई, ये क्लेम करता है कि वाटर रेजिस्टेंट है, तो चलिए मैं अप्लाई करके अपने हाथ पे दिखा दूंगी। एक एरिया पे मैं लगाऊंगी कंसीलर के साथ एंड और एक एरिया पे लगाऊंगी विद प्राइमर, तो उसको मैं पानी से स्प्रे करके दिखाऊंगी कि कौन ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो चलिए प्राइमर जो मैंने अपने आईज पे अप्लाई किया था, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐसे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू गाइस ऐसे लगाऊंगी एंड इसको अच्छे से ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इट इज माई ब्रश और अच्छे से मैं इसको टैप टैप कर लूंगी। अभी मैं इसमें लगाऊंगी रेड कलर का आई शेडो। मैं ले रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का आई शेडो प्राइमर एंड थोड़े से अंडरनीथ ही उसकी अप्लाई करूंगी, जस्ट भी कर दूंगी। एंड इसमें भी मैं रेड कलर का आई शेडो अप्लाई करूंगी। तो ये है मेरा कंसीलर वाला एरिया और यहाँ मेरा है प्राइमर वाला एरिया, तो वाटर स्प्रे करके देखेंगे कि कौन जल्दी यू नो डिसॉल्व होके मेल्ट होता है। अच्छे से स्प्रे करूंगी। तो वो ये है मेरा कंसीलर वाला एरिया, इसको मैं कंसीलर वाला एरिया अच्छे से क्लीन हो गया। अभी मैं प्राइमर वाला एरिया को करती हूँ, जैसे कि देख सकते हो मैं इसको पूछ रही हूँ, मैं जोर से भी इसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये आसानी से नहीं निकल रहा है। गाइस जैसे कि आपने देखा मेरा कंसीलर वाला एरिया एक स्वाइप में ही निकल गया, जब प्राइमर वाला एरिया था उसको मैं वन स्वाइप में वो क्लीन नहीं हुआ, मुझे थोड़ा और ज्यादा यू नो स्वाइप करना पड़ा उसको क्लीन करने के लिए। तो ये सी वाटर रेजिस्टेंट है एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसके ऊपर बहुत ही अच्छा रहा। ट्राई करना चाह रहे हो कुछ अलग लाइक आई प्राइमर तो आप बिल्कुल ट्राई करें। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट देना मत भूलिएगा। कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइस और एक मेकअप का मैंने सोचा है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मैं ये वाला मेकअप करूंगी, आपने यस बोला था, तो इस बार भी आपको बताना है मैं करूं या ना करूं। सो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बहुत ही अमेजिंग सा एकदम यू नो वो जैसे कि लग रहा है कि आंखों में वो टाइप का एक इल्यूजन आ रहा है। तो आप बताओ कि मैं ये करूं या ना करूं नेक्स्ट वीडियो में। या गाइस ये था आज का वीडियो एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो। टिल देन स्टे गॉर्जियस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई लव यू सो मच।